गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। क्यों जी, याद है ना? क्या याद आ गया। मंगलवार को तुम्हारी दीदी और जीजा आएंगे। अच्छे अच्छे खाने का बंदोबस्त कीजिएगा, और हाँ, हमारे तालाब का मछलियाँ भी पकड़वाइएगा, और बाजार से मिठाइयाँ भी लाइएगा। तब तो बहुत खर्च होगा। तब तो मुझे कर्ज लेना होगा। कर्ज लेना है तो लीजिए, लेकिन हाँ, मेरी बहन और मेरे जीजा जी के सामने मेरा बेइज्जती मत करवाइएगा, समझे? मेरी पत्नी समझने वाली नहीं है, कुछ तो करना होगा। पैसे उधार लीजिएगा, लेकिन आपको पता है ना मेरा ब्याज कितना है? ब्याज बहुत ज्यादा है, पर लेना तो होगा ही। दीजिए 10,000। कब चुकाओगे? 1 महीने बाद ब्याज के साथ दे दूंगा। हाँ ठीक है। नहीं, 1 महीने का बात था, लेकिन तो 2 महीने हो गया। गोपाल का अभी तक कोई खबर नहीं है। एक बार गोपाल का घर जाकर देखता हूँ। मैं जाता हूँ। ठीक है, जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, उधार लेने आ जाते हैं, लेकिन पैसे चुकाने का नाम नहीं लेते। मोहन चाचा, नमस्ते। अब यहाँ पे हैं? गोपाल, मैं तुम्हें ढूंढते आया हूँ। 1 महीने बाद तुम्हें पैसा देना था, लेकिन 2 महीने हो चुका। कर्ज लेने से पहले तुम बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे। नहीं, वो घर में कुछ मुसीबतें आ गई थी, वरना आपका 10,000 में दे देता चाचा जी। हाँ हाँ, पता है, सभी कर्ज चुकाने के लिए यही बहाना करते हैं। सच बताओ, कब पैसे दोगे? हाँ ठीक है, 2 दिन बाद खुद आ जाऊंगा पैसे लेकर। नहीं, आज भी नहीं आया गोपाल। कल जाऊंगा मैं गोपाल से मिलने। आज अगर गोपाल मिल जाए तो उसे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। ऐसी बातें सुनाऊंगा कि दोबारा किसी से कर्ज लेना भूल जाएगा। आया मोहन चाचा, ये तो मेरे तरफ ही आ रहे हैं गुस्से में। गोपाल, भाग भाग यहाँ से। ये तो गोपाल लग रहा है। गोपाल, कहाँ जा रहे हो? सुनो। मेरे को देख लिया वो, मैं क्या करूं, भागता हूँ यहाँ से। भाग कर कहाँ जाओगे तुम? पलटो मेरे तरफ, पलटो। मैं दे दूंगा। सुनिए, कल सुबह मेरे घर आइए आप, मैं पैसे का बंदोबस्त कर दूंगा। मैं अब चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। आप आ गए। आइए, बैठिए। मैं आपका पैसे का बंदोबस्त कर देता हूँ। मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। मुन्ना, सामान लेकर आप जल्दी आओ। लाता हूँ, ये ले दिए। रख, यहाँ रख। बस हो गया। मुन्ना, पौधा दो। क्यों गोपाल, पैसे कब दोगे? हाँ, अभी तक तो आपका पैसा देने का बंदोबस्त कर रहा था। ये क्या, तुम तो अभी तक पौधा लगा रहे थे। मैं ये पौधा लगाया हूँ ना, ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा। उस पेड़ में फल होगा, फिर मैं उन फलों को बाजार में बेचूंगा। जो पैसे मेरे पास आएंगे,
फल को बेचकर मैं अपना कर्ज चुका दूंगा। मैं जो कहा था वो करके दिखा दिया ना मोहन चाचा। सच में गोपाल तुम भी हद करते हो। फल बिकी कर पैसे मिलेगा, इससे आप कितना खुश हो गए हैं।